280 करोड़ की 282 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तब कार्य भी होता है अच्छा। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को उन्नवल के नए नगर पंचायत भवन का करेंगे लोकार्पण। दीपावली पर्व के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा महानगर के सभी ज्वेलरी के प्रतिष्ठानों पर एक कांस्टेबल की लगाई जाएगी ड्यूटी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। शातिर चोरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिलास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर, दो अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम सकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही है अनेकों कार्य। जनपद में नदी व बरसात का पानी समाप्त होने के बाद बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। सीएमओ ने कहा, अभी तक जनपद में पाया गया है 59 डेंगू के मरीज। सबसे ज्यादा मरीज है शहर क्षेत्र में। बचाव के लिए पहने फुल आस्तीन का कपड़ा, सोते समय करें मच्छरदानी का प्रयोग। जनपद में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि पटाखों को जलाते समय सूती वस्त्र का करें प्रयोग, पास में रखे बाल्टी का पानी। तीन 3.550 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवंबर से गोरखपुर मंडल के 469 धान क्रय केंद्रों पर शुरू होगा धान खरीदारी का कार्य। जीडीओ उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाहर से आते समय किसी भी व्यक्ति के दिए हुए सामानों को ना खाएं। दीपावली पर ना करें शराब का प्रयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर हो जाता है दुर्घटना। और जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में आई कमी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, कुछ दिनों में नदियों का पानी हो जाएगा सामान्य, बाढ़ हो जाएगा खत्म।